माध्यमिक विद्यालय क्रीड़ा एथलेटिक प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक शिक्षा श्रीमती गुलाब देवी ने गुब्बारा उड़ाकर किया। बता दें कि प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 मंडल एवं 2 स्पोर्ट्स कॉलेज गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ एवं सफाई स्पोर्ट्स कॉलेज इटावा के खिलाड़ी भाग लिया है। इस मौके पर DIOS ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया, संचालन समिति के सदस्य दिनेश मणि त्रिपाठी, संयोजक योगेंद्र नाथ सिंह सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। आशीर्वाद प्राप्त करने, उनका दर्शन करने आपका भी कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाते हुए आज ऐसी देवी स्वरूप शिक्षा मंत्री आज मंच पर जिनकी कृपा से शिक्षा विभाग अपनी प्रत्येक कार्यक्रम को आयोजन को माँ सरस्वती के दीप प्रज्वलन से उनको ऊपर माल्यार्पण करके हम प्रारंभ करते हैं। एडी की बच्चियां तैयार रहे और प्रारंभ करें सरस्वती वंदना। आदरणीय डिप्टी डायरेक्टर महोदया माननीय मंत्री जी को ये बुद्ध की धरती है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने हाजर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा फेंक कर प्रथम शरणम गच्छामि सम्मम शरणम गच्छामि बुद्ध की शरण में जाना अर्थात जीवन की सार्थकता है। भैया आप सामने सर जाइएगा, सामने सर जाइएगा। बात नहीं बेटा, बात नहीं, साथ रहिए। मोबाइल पीछे करिए। इस
संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक शिक्षा श्रीमती गुलाब देवी ने बताया, इसमें हमारे 18 मंडल के बच्चे आए हुए हैं, लगभग 1500 बच्चे हैं और 200 अध्यापक हैं जो बच्चों के लिए खिला रहे हैं। इस प्रकार से ये प्रदेश का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसमें जहाँ एक और बच्चे हमारे शिक्षित होते हैं वहीं दूसरी ओर सबके साथ में मिलकर खेल में भी अपना प्रतिभा करते हैं, जिससे उनके मस्तिष्क का विकास होता है और सामाजिक परिस्थितियों का भी उनको ज्ञान होता है, आर्थिक परिस्थितियों का भी ज्ञान होता है और सामाजिक परिस्थितियों का भी ज्ञान होता है, और एक दूसरे से सबसे बड़ी बात है एक दूसरे से समन्वय की भावना उनके अंदर बनती है। वो घर के आंगन से निकलकर एक बाहर के जगत में प्रवेश करते हैं और उनके अंदर देखिए आप कितना उत्साह है, कितनी उमंग है। और आज हमारे शिक्षा विभाग ने इतनी बड़ी व्यवस्था की है कि 5 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा, 5 दिन तक इनके रहने की व्यवस्था, इनको सुरक्षित रखने की व्यवस्था, इनके खान पान की व्यवस्था, इनको स्वस्थ रखने की सारी व्यवस्था हमारा शिक्षा विभाग कर रहा है। ये संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ ये कोई पढ़ाई आवश्यक है वहाँ खेलकूद भी बहुत आवश्यक है। जब स्वस्थ मस्तिष्क हमारा होगा तो स्वस्थ हमारा जब दिमाग होगा तभी हम कोई काम कर पाएंगे। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, बच्चे खेल कूद कर स्वस्थ रहेंगे और अच्छी प्रकार से समाज के कार्य करेंगे और आने वाली हर चुनौती